So welcome class, this is Bhupen Yadav from Protest Academy. Let's begin with our class. देखते हैं न्यूज़पेपर में क्या है खास और जो हमें जानना चाहिए. हेडलाइन देख लेते हैं एक बार, क्या कहती है हेडलाइन. सुप्रीम कोर्ट सख्त है हेट स्पीचेस को लेकर. ठीक है, जो हेट स्पीच दिए जाते हैं, ठीक है, एक दूसरे के खिलाफ, कट्टरवाद के, धार्मिक उन्माद के, ठीक है, उनके खिलाफ उनसे थोड़ा सख्त है. और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई कर रहा है या कोई इसको स्पॉन्सर कर रहा है. ये माहौल बन गया है इंडिया का कि आप जितना कट्टर बोलोगे ना, जितना आप सामने वाले को टारगेट करोगे, उतने बड़े नेता माने जाओगे, उतनी ज्यादा आपकी बात सुनी जाएगी. और ये सिर्फ नेता नहीं कर रहे हैं, नेता के अलावा यहाँ पे शामिल रहते हैं हमारी मीडिया. और मीडिया पर कई बार सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा है मीडिया को, भाई सुधर जाओ, नहीं सुधरोगे तो फिर हमको सुधारना आता है. अच्छे अच्छे क्रिमिनल सुधार दिए तुमको, फिर चीज ही क्या. लेकिन फिर ये नहीं सुधारते हैं, है ना. अब मैं ऐसी बात बोल रहा हूँ और अमित शाह का फोटो लगा है तो इसका कोई रिलेशन मत समझ लेना. तो चीफ जस्टिस हैं, ठीक है, और हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्या नाम है उनका, जस्टिस KM जोसेफ एंड जस्टिस हरिकेश रॉय. इन दोनों की टिप्पणी बहुत ही, मतलब तीखी भरी कह सकते, करीब वार्निंग कह सकते, इनकी टिप्पणी नहीं कहेंगे, करीब वार्निंग है. ठीक है, तो और ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार कहा है, कहते रहते हैं, बोलते रहते हैं, सुधारते नहीं है. ठीक है, चलिए. पाकिस्तान जो बहुत लंबे समय से, बहुत लंबे, मैंने 2 साल 2.5 साल से ज्यादा का समय हो गया है ऐसे, तो ये थे अपने भाई FATF की ग्रे लिस्ट में थे. इनको कोई लोन नहीं देता था, इनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करता था. क्यों? क्योंकि ये काम करते थे मनी लॉन्ड्रिंग का, ये काम करते थे टेरर फंडिंग का, जिसकी वजह से इन्हें, टेरर फंडिंग की वजह से इन्हें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था. ठीक है, ग्रे लिस्ट में. अब जाके इनके कहाँ, कब से बता रहे, ठीक है, हाँ 2018 लगभग 4 साल हो गए, फिर तो काफी लंबा समय हो गया है. ठीक है, US के साथ अब इनके रिलेशन अच्छे होना शुरू हो गए हैं, तो US की मेहरबानी से इन्हें FATF से बाहर निकाल दिया गया है. जब इनके चाइना के साथ रिलेशन अच्छे थे तो इन्हें FATF में डाल दिया गया था. तो मतलब ये फुटबॉल है और दो प्लेयर हैं, अमेरिका और चाइना, वो खेल रहे हैं और ये बस घूम रहे हैं. इमरान खान पर करप्शन के चार्जेस लगे हैं इलेक्शन में, तो इन्हें 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है कि आप इनमें शामिल नहीं होगे. 5 ईयर का इन पर बैन लग गया है, तो ये शामिल अब नहीं होंगे. ठीक है, ये बड़ा ही दुखद समाचार है इमरान खान के लिए, कि जो उम्मीद कर रहे थे कि अब इलेक्शन हम करवाएंगे, इलेक्शन जब होंगे तो हम फिर से PM बनेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा. और इलेक्शन, सॉरी, इमरान खान बहुत चाहते हैं चाइना के, और अगर इमरान खान पे बैन लगा है तो ये चाइना के लिए बहुत बड़ा झटका है. जो चाइना कंट्रोल था पाकिस्तान के ऊपर, अब ये उतना मजबूत नहीं रहा है, US का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है. चलो देखो, पैसे पाकिस्तान से सीखने लायक कुछ नहीं है हमारे पास, ठीक है, हमको कुछ सीखने की जरूरत नहीं है पाकिस्तान से. लेकिन एक चीज है जो मैं चाहूंगा कि हिंदुस्तान भी सीखे, वो ये है कि जब भी इनके किसी नेता पर करप्शन के चार्ज लगते हैं ना, तो वहां पर करप्शन के चार्जेस सीधे समझे जाते हैं. पाकिस्तान इस बात की तारीफ के योग्य है कि वहां पर अगर कोई भी है, संतरी से लेकर मंत्री तक, प्रधानमंत्री तक, कोई भी है ना, अगर उस पर करप्शन के चार्जेस लग गए हैं तो उसे बड़ा सीरियसली लिया जाता है. ठीक है, हमारे यहाँ करप्शन के चार्जेस एक मेडल की तरह होते हैं. कितना करप्शन किया होगा भाई, 200 करोड़ का, 200 करोड़ का, अरे हम 500 करोड़ का करके बैठे हैं भाई, तुम्हारे सीनियर हैं. हमारे यहाँ ये मेंटेलिटी है, तो जो ज्यादा करप्शन कर रहा है वो उतना बड़ा आदमी है, ठीक है, और वो उतना महान है. ये चीज हमें सीखनी चाहिए कि अगर हमारे यहाँ पे करप्शन के चार्ज लगते हैं, इवन मैं कहूंगा कि हमारे जो पार्लियामेंट है, ठीक है, पार्लियामेंट में कितने हमारे मेंबर्स हैं, MP हैं, जिन पर क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं. ठीक है, क्रिमिनल के चार्जेस लगे हैं, सिविल चार्जेस तो लगे ही हैं, क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं, जिन्हें सजा भी हुई है, और वो MP हैं. इवन हमारे यहाँ तो ये भी है कि भैया तुम अगर जेल में हो तब भी वहां से इलेक्शन लड़ सकते हो. सुधरना चाहिए, देखना चाहिए, ये चीज सीखने लायक है. आर्मी का एक चॉपर अरुणाचल प्रदेश में क्रैश हो गया है. ऐसा चॉपर पिछले साल भी एक क्रैश हुआ था जिसमें शायद 8-9 लोग, हमारे 14 लोग मारे गए थे, सॉरी 14 लोग मारे गए थे. इस बार 4 लोग मारे गए हैं. जनरल बिपिन रावत का क्रैश हुआ था, उसमें जनरल बिपिन रावत की डेथ हो गई थी. तो हेलीकॉप्टर का क्रैश होना इंडिया में बहुत आम बात है. और क्यों आम बात है, क्योंकि भैया ये है 1970 के
1980 में ये लिए गए थे, ठीक है। तब से कोई नया हमने कुछ खरीदा नहीं है ना कुछ बनाया है, ठीक है। अब ये हुए पुराने, बूढ़े हो चले, तो बूढ़े हो चले तो भैया कहीं भी गिर जाएंगे, तो कहीं भी गिर जाते हैं। अभी गिरते हैं तो जो गिर जाने दो, लेकिन समस्या ये है कि हमारे जो आर्मी के लोग हैं, नेवी के लोग हैं, जो पर्सनल्स हैं, ये मारे जाते हैं, हमारे लिए प्रॉब्लम ये है। बाकी तो इनको खड़ा करके आग लगा दो इन हेलीकॉप्टर्स में, किसी को कोई समस्या नहीं होगी। हमारी समस्या इस बात से है कि भैया इनकी जान फ्री की नहीं है, इनका भी परिवार है। तो तुम्हारी लापरवाही की वजह से जो हमारे आर्मी के जवान अपने शहीद हो रहे हैं, बल्कि मैं कहूंगा इस तरह की शहीदी कोई नहीं चाहता। शहीद होने का मतलब ये है कि हम जंग में लड़ते लड़ते मरे, एक्सीडेंट में मरना यार इससे ज्यादा एक सैनिक के लिए क्या ही तुम अपमान करोगे। तुमसे हेलीकॉप्टर नहीं लिए जा रहे हैं, गजब है। और तुम विश्व गुरु बनने चले हो, विश्व गुरु ठीक है। अब मैं कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है, समझ लो, तुम तो समझदार हो ही। अब प्रधानमंत्री उत्तराखंड में गए हैं और बोल रहे हैं कि भाई जो भी उत्तराखंड में घूमने आता है वो एटलीस्ट 5% यहाँ के लोकल प्रोडक्ट्स पर खर्च करे। यानी अगर आपका बजट है 10,000 रुपए का घूमने का, तो फिर आप वहां पे 1,000 रुपए खर्च करिए, ठीक है, फिर 5,000 रुपए खर्च करिए ताकि आप ये चीजें देख सकें, है ना। अब ये इनको क्यों करना पड़ रहा है, वहां की लोकल मार्केट को ग्रो कराने के लिए। भैया आओ यहाँ पर घूमो, ट्रेवलिंग के लिए बहुत बढ़िया है, घूमने जाते हैं लोग, एक खर्चा यहाँ नहीं करते हैं लोकल प्रोडक्ट्स पे, करना चाहिए। अब देखो इसके मैं समर्थन में भी हूँ और समर्थन में नहीं भी हूँ। समर्थन में इसलिए हूँ कि ठीक है, कॉज अच्छा है कि सर वहां पे लोग हैं, वहां के रोजगार आएगा, चीजें सही है। लेकिन इस ये आइडिया काम नहीं करेगा, ये पुश वाला जो काम है ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करता है, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए काम नहीं करेगा। तो क्यों नहीं करेगा, क्यों आज आपने कुछ कर दिया, चलो आज कुछ लोग चले गए कुछ खरीद लाए, कल नहीं हो जाएंगे वो, ठीक है। और आप हमेशा कुछ नहीं करते रहो, और आप अगर हमेशा कुछ करते रहो तो आपका ये काम भी नहीं करेगा। फॉर्मूला ये चलता है, मार्केट चलता है, वो चलता है डिमांड पर, और डिमांड चलता है यूटिलिटी बेस पर। अगर डिमांड होगी तो ऑटोमेटिकली लोग खरीदेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसकी यूटिलिटी, डिमांड मतलब यूटिलिटी, उसका उपयोग होगा तो लोग खरीदेंगे। अब तुम रेगिस्तान में खड़े हो जाओ बिस्लरी की बोतल लेकर, तुमको बोलना नहीं पड़ेगा कि भाई पानी खरीद लो, वो सामने वाला अपने आप खरीदेगा, समझ रहे हो। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कुछ गतिविधि पाई गई है जिनमें इलीगल तरीके से ट्री है, पेड़ है, उन्हें काटा गया है। इस पर सेंटर पैनल ने अपनी इन्वेस्टिगेशन बैठाई है कि भाई पता करो कि कौन है जो सपनों में आया और पेड़ काट के ले गया, ठीक है। तो टाइगर फाइगर को भी ध्यान में रखो, इनकी सुरक्षा बड़ी जरूरी है। और जब आज पेड़ काट के ले जा रहे हैं तो कल को हो सकता है कि चीते पीते उठा के ले जाएं और फिर इनकी पोचिंग शुरू हो जाए, ठीक है, कालाबाजारी शुरू हो जाए। तो इसको ध्यान में रखो, ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, है ना, एक नेशनल पार्क के लिए। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अपने आप में बड़ा महान नेशनल पार्क है और सबसे ज्यादा टाइगर हमको यहीं मिलेंगे, और बहुत पुराना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। तो समझ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की हम बात जरूर करेंगे, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पक्षी है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान का ये स्टेट है, बर्ड है। क्या है ये? राजस्थान का स्टेट बर्ड है, और ये एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड वो भी क्रिटिकली एंडेंजर्ड। क्या है? क्रिटिकली एंडेंजर्ड, ध्यान में रखना। इसकी जो भी पॉपुलेशन है उसका 95% हमें राजस्थान में मिलता है, ठीक है। इसकी टोटल पॉपुलेशन है उसका 95% राजस्थान में मिलता है, और राजस्थान में ये अनुमान है कि लगभग 150, केवल 150 ही ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं, इतने ही पक्षी हैं, और ये 95 है। तो और 5% लगा लो तो यार 160 के आसपास पहुंच जाएगा आंकड़ा, इससे ज्यादा तो नहीं जा रहा, ठीक है। तो पूरी दुनिया में 160 ही पक्षी हैं, जिनमें से 150 तो सिर्फ राजस्थान में ही हैं, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब खत्म होने की कगार पर, बिल्कुल खत्म होने की कगार पर। अब ये न्यूज में क्यों आए हैं? कहा ये जा रहा है, एक फोटोग्राफर भाई साहब हैं पाकिस्तान के, ठीक है, नाम है उनका सैयद रिजवान महबूब, ठीक है। तो
इन्होंने कहा है कि हमने कुछ फोटो खींचे हैं और ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैं ये इंडिया से पाकिस्तान माइग्रेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है। क्यों सेफ नहीं है? पाकिस्तान में इनकी होती है हंटिंग, ठीक है, इनकी होती है बहुत बुरी तरह से हंटिंग और वहां पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जैसे इंडिया में प्रोटेक्शन है इनकी हंटिंग पर, तो यहाँ पे बहुत बुरी तरह से हंटिंग करेंगे और मतलब हैं वो जाहिल हैं तो हैं, है ना, पाकिस्तान तो जाहिल है ही, उनके बारे में क्या ही बोलो, बहुत ज्यादा पाकिस्तान के बारे में बोलने वाली हमको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। तो इट्स अ सीरियस मैटर, लेकिन हम कुछ कर नहीं सकते, पक्षियों को कैद नहीं कर सकते हम, है ना, और पक्षियों को हम पाकिस्तान जाने से भी नहीं रोक सकते, ये तो हम इंसानों को रोक सकते हैं। चलिए, ये आज धनतेरस है तो सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां। मजे करिए, खरीदारी करिए, पटाखे फोड़िए, एंजॉय करिए, बहुत बढ़िया, यही चीजें हैं हमारे समाज में, हमारे परंपराओं में यही चीजें हैं। जितने इंडिया में फेस्टिवल हैं उतने फेस्टिवल दुनिया में कहीं नहीं है, ठीक है। हमको बस एक बहाना चाहिए खुशी मनाने का और हमारे सभ्यता ने इतने बहाने दिए हैं कभी भी खुश हो लो। उनमें अगर देखा जाए तो दिवाली और होली बड़े त्योहार माने जाते हैं, ठीक है, इसी तरह से रीजनल त्योहार भी हैं, रीजनल फेस्टिवल्स। बस खुश होने के लिए ना आपको कोई ये नहीं है कि सर मेरे पास ना BMW होगी, मेरे पास ना ऑडी होगी तभी मैं खुश होऊंगा। बोलो खुश यार, क्या रखा है जिंदगी में, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, एंजॉय करो, मजे करो। देखो ये आए हुए हैं इंटरपोल के हेड, यहाँ पे इंडिया में आए हुए हैं, ठीक है, इंटरपोल के प्रेसिडेंट अहमद नसर अल रशी, इनके बारे में हमने कल भी बात की थी। तो अमित शाह से मुलाकात हुई है, पहले प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात हुई थी और दोनों ही इन पे कटाक्ष कर रहे हैं। मोदी ने तो कहा था कि भाई देखो ऐसा है कि अगर टेरर ग्लोबल लेवल का है तो हमें लोकल लेवल पर काम करने से काम नहीं चलेगा, ठीक है, इसे भी हमें ग्लोबल लेवल पर ले जाना पड़ेगा। अभी बोल रहे हैं अमित शाह ने बोला है कि देखो टेररिज्म इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ ह्यूमन राइट, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जो बेस्ट कंट्री है ये ह्यूमन राइट को लेकर ज्यादा कंसर्न रहते हैं, मतलब ऐसा दिखाते हैं कि अगर कहीं भी ह्यूमन राइट होगा तो वो निंदनीय है। टेररिज्म इनके लिए उतना निंदनीय नहीं है, ठीक है, चल जाए, इट्स ओके, लेकिन ह्यूमन राइट भाई चिंता का विषय है, ठीक है। तो इन्होंने कहा था ह्यूमन राइट ना वायलेशन ये टेररिज्म का वर्स्ट फॉर्म है, ह्यूमन राइट वायलेशन का वर्स्ट फॉर्म है टेररिज्म, इसरो। तो हमने पूरा फोकस किया है, इनको भी बताया कि देखो भाई टेररिज्म है और इसको सीरियसली ले लो, ठीक है, तो देखते हैं और क्या कुछ खास है। तेजस हमारा इंडिजिनियसली डेवलप एयरक्राफ्ट, इसमें बात की जा रही है ब्रह्मोस को लगाने की, ठीक है, ब्रह्मोस न्यू जनरेशन ब्रह्मोस को लगाने की बात की जा रही है कि अगर हम ये काम कर पाए तेजस के साथ तो ये समझ लो इसकी यूटिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। ब्रह्मोस अपने आप में बहुत खतरनाक है, दुनिया की शायद बेस्ट बेस्ट है सुपरसोनिक और क्रूज मिसाइल, बेस्ट है। अगर हम ये तेजस के साथ कर पाते हैं तो तेजस बिकेगा बहुत, और बिकेगा तो बिकेगा लेकिन हमारी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, हम कहीं भी अटैक कर पाएंगे उससे। बाकी इंडिया ने अपनी अग्नि प्राइम या क्योंकि अग्नि फर्स्ट इसका एक और अपडेटेड वर्जन का परीक्षण किया है। देखो हमने अग्नि बहुत पहले बना ली थी, ये सीरीज अग्नि 1 अग्नि 2 अग्नि 3 ये बहुत पहले ही बनी हुई है, हम बस इन्हें बदलाव करते रहते हैं नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, भाई नया रडार आया है मार्केट में, ठीक है, फिट करके देखो और चेक करके देखो, नया रडार लगा लो, नई कैपेबिलिटी लगा दो, नया इग्निशन सिस्टम लगा लो, नई इसमें नेविगेशन सिस्टम लगा लो, इन्हें हर दिन अपग्रेड करते रहते हैं। तो ये अपग्रेडेड वर्जन हमने टेस्ट फायर किया है, किससे किया है, मोबाइल लॉन्चर से, ठीक है, मोबाइल लॉन्चर से हमने किया है। मोबाइल लॉन्चर का मतलब ये होता है कि एक तो होता है फिक्स लॉन्चर, यानी यहाँ से हम सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं जो फिक्स होता है, तो ये यहीं से होगा श्री, ठीक है, ये फिक्स है यहीं से होगा। मोबाइल लॉन्चर का मतलब गाड़ी पे लोड करो और कहीं से भी लॉन्च कर दो।
ठीक है, तो यूके में थोड़ा सा कह सकते हो कि चीजें सही नहीं चल रही हैं, जो सुनक है ऋषि सुनक, इनके चांसेस हैं कि ये पीएम बन सकते हैं, क्योंकि लिजा ट्रस ने, लिज ट्रस ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया है। अब बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं कि हम भी वापस आएंगे, और एक है मॉडर्न, ये भी बोल रहे हैं कि हमें भी प्रधानमंत्री बनाओ, तो तीन हो गए इसमें लोग कि भैया हमें हमें बना दो। अब लीड उसे मिलेगी, वही जो कंटेस्ट करेगा इलेक्शन, जो कि एटलीस्ट 7 MPs को अपने साथ ला पाए, सॉरी 100 MPs को अपने साथ लेकर आ पाएगा। अभी फिलहाल के लिए ऋषि सुनक के साथ 57 MPs हैं, फिर उसके बाद बोरिस जॉनसन के साथ 37 MP हैं, और फिर मॉडरेट के पास 18 MP हैं। तो लीड में तो अभी यही आगे चल रहे हैं, बाकी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। खैर जो भी होगा, हमें बस एक देखना है कि कौन क्या बन गया है। अगर आप IDBI बैंक, ये सेल आउट होने वाली है, ठीक है, इसका जो नेट प्रॉफिट है, अच्छा क्वार्टर टू नेट राइजेस 36 टू बैड लोन इज, ठीक तो नेट प्रॉफिट इनका बढ़ गया है और बैड लोन थोड़ा सा कम हो रहा है। हमारी सरकार यानी गवर्नमेंट और LIC, इन दोनों के पास शेयर्स हैं, और इन दोनों ने डिसाइड किया है कि 60% शेयर सेल आउट करेंगे, यानी इसे प्राइवेटाइज करेंगे, तो ये रिसेंटली होने वाला है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए तो आज के लिए हमारी न्यूज़ इतनी ही रहेंगी, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू क्लास, और दिवाली मनाइए, मजे करिए, थैंक यू। Thank you.